मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4B एंड द पेज नंबर इज 162। बुक है आपकी RS अग्रवाल। तो आई होप आपने अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो हियर आर टू ग्राफ्स, वन ग्राफ में ही टू लाइंस को ड्रा करना है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट इज, तो फाइंड कर रहे हैं पॉइंट्स वी हैव। ओके, फर्स्ट इज 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 दिया है, इज इक्वल टू 4 एंड क्वेश्चन इज, सेकंड इज x प्लस y माइनस 3। ओके, सेकंड क्वेश्चन एक और दिया है आपको x प्लस y माइनस 3। पहले हम फर्स्ट के लिए पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। सो पुट x इक्वल टू, क्या पुट किया हमने, आपको सिखाया था कि एक बार जीरो पुट करिए और एक बार y इक्वल टू जीरो पुट करिए। तो जीरो हो गया, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतनी जल्दी करिए। टू से कैंसिल होगा तो y की वैल्यू माइनस टू आ गई। ओके, यस और नो? कोई ज़रूरत नहीं है आपको शिफ्टिंग करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है शिफ्टिंग करने की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, पुट करा हमने अगेन y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो पुट किया तो वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस जीरो इक्वल टू 4। शिफ्ट किया x इक्वल टू 4/3। ओके, वैल्यू फ्रैक्शन में आए डजेंट मैटर। क्लियर? फ्रैक्शन में आएगी तो आप वन डेसिमल तक दे देंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस वेयर द लाइन इंटरसेक्टेड, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उस केस में आपको कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिंपल, एक बार एक्स जीरो रखा, एक बार वाई जीरो रखा। क्लियर? सेकेंड, अब कोई भी वैल्यू रख दीजिए। थर्ड पॉइंट, पुट जो आपको इजी लगे जिससे हम जल्दी कर सकें। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 2 पुट करी, 1 भी पुट कर सकते थे आप। तो नाउ 3 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, 3 2 जा 6, शिफ्ट किया 2y इक्वल टू 4 माइनस 6, इट मीन्स 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, y इक्वल टू 1। ओके, देन आफ्टर आप टेबल ड्रा करेंगे। अगर हम इसके पॉइंट की बात करें, 4/3 का मीनिंग क्या हुआ, 3 1 जा 3.0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 1.3 पर बनाएंगे हम। नाउ टेबल आ गई आपकी, दिस इज x, दिस इज y, फर्स्ट इज x 0, y इज माइनस 2, y 0, x इज 4/3, पॉइंट को हम 4/3 लिखेंगे, x इज 2, y इज 1। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन है हमारी, सिंस x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि यही है, x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो नाउ अगेन सेम प्रोसेस, क्या रख सिखाया आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बाकी करते हैं कि ये पुट कर लो वो पुट कर लो, ठीक है, बट आप इजी एक चीज़ याद रखिए, एक बार x जीरो रखिए और एक बार y जीरो रखिए, इससे आराम से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, नहीं तो आप थिंक करते रहेंगे और सुबह से शाम हो जाएगी। x इक्वल टू जीरो, सिंपल सा फंडा, तो क्या जाएगा, 0 प्लस y माइनस 3, तो y इक्वल टू, देखो डायरेक्टली आ गया 3, सिंपल पुट y इक्वल टू 0, सो x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x 0 y 0 पे वैल्यू आ गई। एक और रख देते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 पुट किया तो 1 प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। ओके, तो इसकी भी हमने टेबल ड्रा कर दी। तो नाउ
वन इज x, सेकेंड इज y. x इज 0, y इज 3. x इज 3, y इज 0. इन पॉइंट को ध्यान से लिखिएगा. दिस इज 1 एंड y इज 2. ओके, तो नाउ अब हम ग्राफ बना रहे हैं. ओके, नाउ सी, सो ग्राफ को बहुत ध्यान से बनाइएगा. ओके, मार्क कर रहे हैं हम 1, 2, 3, 4, 5. मैक्सिमम कितना है इसमें? 2 है, इसमें 3 है. ओके, यस और नो? तो आप 3 तक मार्क कर सकते हैं. -1, -2, -3. 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4. This is x-axis and this is y-axis. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि पॉइंट को प्लॉट करिए. पहले फर्स्ट को प्लॉट करते हैं. 0, -2, तो जो भी जीरो वाले पॉइंट्स होंगे कहाँ आएंगे? एक्सेस पर. क्लियर? 0, -2 किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू -2. सो दिस इज 0, ये हो गई एक्स की वैल्यू. वाई की आ जाएगी आपकी 0, -2. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट -2, 0, ये आ गया आपका पॉइंट. यस और नो? अब आते हैं आपके 4, 3. तो 4, 3 मीन्स 3, 1, 3 एंड पॉइंट 1, 3, 3, 9, 1.3. 1.3 एक्स में कहाँ पर होगा? वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1.3. 1 एंड 3 लाइंस, 1, 2, 3. ओके, मिडिल में 5 हो गया. देखो ऐसे ऐसे 1, 2, 3 लाइंस ऐसे. 2 का है, मिडिल में 5 आएगा इसके. 1.3. क्लियर? y की वैल्यू 0 है. नेक्स्ट इज 2, 1. x इज 2 एंड y इज 1. सो दिस 1 पॉइंट. सो 3 पॉइंट से हमने पास करती हुई एक लाइन ड्रा कर दी. क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? अब पॉइंट्स को मेंशन कर दे रहे हैं. x इज 0, -2. सेकेंड इज 4, 3, 0 एंड थर्ड इज 2, 1. ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 3x-2y=4. ओके, नेक्स्ट है सेकेंड, x0, y3. y3 वेयर 3y? दिस इज y3 एंड x3, y0. जिसकी वैल्यू सिंपल सी बात है, x1, y2. x1 दिस इज 1 एंड y2 दिस इज द पॉइंट. यस और नो? चेक कर लीजिए x1 एंड y2. नाउ दिस इज द पॉइंट x1 एंड y2. सो नाउ, तो अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें, सी x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, यस और नो? तो कितना आएगा? -3 और 2, 1. y की वैल्यू 1 आएगी. तो इस पॉइंट से भी इंटरसेक्ट करते भी जाएगा. तो नाउ ग्राफ आ गया आपका 1 more line, दिस वन. ओके, नाउ सी, एक्स की वैल्यू 1, वाई इज 2, दिस इज 0, 3 एंड दिस इज 3, 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x+y-3=0. अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइन. दिस इज अ 2, 1. ओके, और हम चेक भी कर सकते हैं कि 2, 1 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है. x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो -3 और 2, 1. y की वैल्यू 1 आ जाएगी. ओके, अब क्वेश्चन में क्या डिमांड है चेक करिए.
ऑन द सेम ग्राफ पेपर बनाना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर टू ग्राफ इंटरसेक्ट्स, सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,1। ये आंसर हो गया आपका ये, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड क्वेश्चन ये पूछने था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस वेयर द लाइंस कट, तो एक 3,0 तो बोलता फर्स्ट के लिए, सेकेंड 0,3, थर्ड इज 0,2 एंड फोर्थ इज 4,3,0। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेम वे। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनसे जो एरिया बनना है ए बी सी, इसका एरिया फाइंड करो। तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ से यहाँ तक का बेस काउंट करोगे कितना आएगा, स्केल से काउंट कर दिया, और ये इसकी हाइट हो गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाई। ओके, तो हम आपको एक हाफ बेस इंटू हाइट का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 8। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।